भी देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे दुकानें बनी हुई है और दुकान के साथ में ही मकान, आप भी बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे प्लॉट लेके मकान और घर दोनों ही बना जी। अगर मैं सुविधा की बात करूँ तो आपको सारी सुविधाएं मिल जाती है, जैसे कि आप ये खंभे देख सकते हैं, यहाँ पे 24 घंटे लाइट होने वाली है, पानी बिजली सारी चीज की। चारों तरफ देख सकते हैं कितनी ज्यादा आबादी, आबादी के चारों तरफ आपको प्लॉट मिलने वाला, आबादी चारों तरफ देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, ऐसे ही आप इसमें प्लॉट खरीद के मकान बना सकते हैं, चारों तरफ आबादी, आबादी के बीचों बीच आपको प्लॉट मिले। तो फिर से एक बार नोएडा के अंदर मैं आप सभी को लेकर आ चुका हूँ, जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल बसी सोसाइटी के अंदर जो है आपको प्लॉट मिलने वाले। तो आप में से बहुत सारे फैमिली जो सोच रहे हैं ना दिल्ली के पास नजदीक अगर नोएडा में प्लॉट चाहिए, तो आज की वीडियो दोस्तों खास करके आप सभी के लिए होने वाला है। तो चलिए जानते हैं रेट प्राइस क्या होने वाले और कौन कौन से जो आपको फैसिलिटी मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स में क्या मिलने वाला है, सोसाइटी का क्या नाम है और कहां पे आपको आना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हमारे साथ जो है खुशी मैम, हेलो मैम, कैसी हैं जी आप? राधे राधे सर। राधे राधे मैम। मैम बात करते हैं आज की इस लोकेशन के बारे में, जहाँ पे आज हम खड़े, कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे? ये लोकेशन नोएडा सेक्टर 143 के पास की होने वाली है। ओके मैम, बात करें अगर हमारी जो फैमिली जो नोएडा के अंदर जो प्लॉट ढूंढ रहे हैं, अगर उनको परचेज करना है, उससे पहले वो देखते हैं कि आसपास की सोसाइटी, बट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तो ऑलरेडी काफी सारी बसावट हुई पड़ी है। बिल्कुल पहले सर, से आप जैसा कि मैं बताऊँ, आप चारों तरफ देख सकते हैं अच्छे अच्छे मकान बने हुए, बड़े बड़े, यानी चारों तरफ बसावट होने वाली और बसावट के बीचों बीच प्लॉट लेकर आए, इससे अच्छी सोसाइटी आपको कहीं नहीं मिल सकती पूरे नोएडा में, क्योंकि नोएडा सेक्टर 143 का जो मेट्रो स्टेशन होने वाला है वो बिल्कुल 2 से 3 मिनट की दूरी पे होने वाला है अपनी सोसाइटी से। और आसपास में आप देख सकते हैं बसावट के साथ ही साथ दुकानें बनी हुई है, जिससे आप रोजमर्रा की चीजें आराम से खरीद सकते हैं। और मैम बात करें यहाँ पे जो है हाईवे की, तो हमारे साइड के पास में जो कौन सी हाईवे होने वाली है? बिल्कुल सर, आप जैसे ही सोसाइटी के बाहर निकलते हैं आपको हाईवे मिल जाता है, जो कि नोएडा का 143 का जो एक्सप्रेसवे होने वाला है बिल्कुल टच में है। अच्छा, और मैम बात करें अगर हमारी फैमिली जब लोकेशन पे आती है उसके साथ साथ वो ढूंढती है यहाँ पे जो है रोजगार, तो हमारी फैमिली को अगर रोजगार चाहिए तो कहाँ पे उनको जो है आना होगा रोजगार? सर आप जैसे ही सोसाइटी के बाहर निकलते हैं आप चारों तरफ देख सकते हैं पूरा इंडस्ट्रियल एरिया होने वाला, आईटी का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे आप आराम से रोजगार कर सकते हैं। मतलब पूरा आईटी क्षेत्र, पूरा आईटी क्षेत्र, मतलब उसके बिल्कुल पास में होने वाली है हमारी ये लोकेशन। तो मैम जैसा कि आपने बताया आसपास में काफी सारे आईटी क्षेत्र है, बहुत सारी इंडस्ट्री होने वाली है, बट अगर बात करें जैसे हमारे पास बसावट भी है, बट मार्केट की बात करें जहाँ पे रोजमर्रा की चीजें और जो है सामान चाहिए, तो फैमिली को कहाँ जाना होगा, ये सारी चीजें कहाँ पे मिलेंगी? सर मैं बता देती हूँ, सोसाइटी के अंदर ही अपने पास छोटी मोटी चीजें जो आपको रोजमर्रा की चाहिए उसके लिए दुकानें मिल जाती है, सोसाइटी के बाहर ही आपको जाके 2 मिनट की दूरी पे बड़ी मार्केट मिल जाती है। अच्छा, जहाँ पे की रोज जो बर्थडे पार्टी इन सभी के लिए जो सामान मिल जाएंगे बिल्कुल आराम से। और मैम बात करें हमारी फैमिली इस लोकेशन पे आने के बाद जो है उसके बाद जो ढूंढते हैं स्कूल कॉलेज, इनकी जो है क्या व्यवस्था होने वाला? सर यहाँ से स्कूल कॉलेजेस, और मैं बात करूँ अगर इंटरनेशनल बस अड्डे की, जो कि सबसे बड़ा बस अड्डा बनने वाला है नोएडा में, वो आपका बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पे होने वाला है। और बस अड्डा सर जहाँ पे इंटरनेशनल जो सबसे बड़ा बस अड्डा है उसके नजदीक ही आपको सारी चीजें मिल जाती है, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस और ये जो शादी फंक्शन के लिए एरियाज होते हैं सेरेमनी के लिए, वो आपको बिल्कुल पास में मिल जाते हैं। तो मैम अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, जिस प्रोजेक्ट पे हम आए हुए हैं ये 143 प्रोजेक्ट होने वाला, बट मैम आपने इस प्रोजेक्ट पे जो सड़कें वो कितने कितने फुट के दिए हैं हमारे फैमिली को? सर ये आप सड़कें देख सकते हैं, ये आपकी 28 फुट की रोड होने वाली है। अच्छा, यहाँ पे जो है सड़कें 28 फुट की और अंदर की सड़कें कितने फुट की होने अंदर वाली की है? आपको मिल जाती है 24 फुट की। अच्छा, मतलब 28 और 24 फुट की जो दोस्तों यहाँ पे सड़कें होने वाली, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब की काफी चौड़ी जो है आप सड़कें प्रोवाइड करने वाली है बिल्कुल। और मैम बात करें यहाँ पे जो है इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है आपके पास प्लॉट की साइजेस क्या क्या होने वाली है हमारे फैमिली के लिए? सर देखिए प्लॉट का जो मिनिमम साइज होता है वो 50 गज का रहता है। अच्छा, और वही आपको इसमें मिल जाता है 50 गज का साइज, मतलब 50 गज से स्टार्ट हो जाएगा हमारे फैमिली के लिए प्लॉट। और मैम बात करें जैसे काफी सारे जो हमारे फैमिली मेंबर है वो सोचते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को लेकर के जो है सर अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपको जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी कि रजिस्ट्री, म्यूटेशन, 143 के पेपर्स, आपको तीनों ही पेपर आपको ऑन टेबल वेरीफाई करा दिए जाते हैं, आप पहले पेपर चेक करवाइए उसके बाद ही टोकन मनी आप दीजिएगा। अच्छा, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट चेक करवा देंगे बिल्कुल क्लियर। और अगर करवानी हो तो मैम किस तरीके से आप करवाते हैं यहाँ पे आप? जैसे कि सर आप डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं अपने साथ, ले जा सकते हैं, ले जाके चेक करवा सकते हैं। और मैम बात करें अगर हमारे फैमिली को यहाँ पे प्लॉट लेना है तो मैम कितना देकर के जो है यहाँ पे बुक करवा सकते हैं? सर अगर प्लॉट आप बुक कराना चाहते हैं, जैसे कि आप आते हैं और प्लॉट बुक कराना चाहते हैं, तो आप केवल अपना आधार कार्ड ला सकते हैं और 5100 रुपए से आप प्लॉट बुक करा सकते हैं, चाहे वो 50 गज का हो या 100 गज का। और मैम बात करें अगर हमारी फैमिली जैसे कि आपने कहा 5100 देना है और किसी को घर इस तरीके से जो है बना के रहना है, तो मैम वो आपको कब्जा मिल जाता है मात्र 11000 रुपए देने के बाद। अच्छा, 11000 पे कब्जा मिल जाएगा, मतलब घर बना लो मकान बना लो कोई दिक्कत नहीं है। और मैम बात करें आप यहाँ पे जो है किस्तों में है कैश में आप जो है प्रोवाइड करने वाली है सारी चीजें? सर अगर मैं बात करूँ पेमेंट प्लान की,
तो पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है, 50% देके आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं, बाकी का जो आधा 50% बच जाता है उसके लिए आपको एक साल का टाइम दे देते हैं। अच्छा, एक साल का टाइम मिल जाएगा जी, यहाँ पे। एक साल में आप खूब आराम से कमा के अपना पैसा दे सकते हैं। अमेजिंग। मैम बात करते हैं यहाँ पे जो अगर हमारी फैमिली आती है तो आपकी इस लोकेशन पे जो प्राइस क्या होने वाली है प्लॉट की? सर इस लोकेशन में मैं पहले ये बता दूं, ये लोकेशन काफी अच्छी होने वाली है, प्राइम लोकेशन है, और इस लोकेशन में आप आसपास देख सकते हैं अच्छे अच्छे हाई राइज बने हुए हैं सर। हाई राइज पास में बस अड्डा, इंटरनेशनल बस अड्डा है, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल मिल रहे हैं आपको, और 143 का जो मेट्रो स्टेशन है एम्बेसी ऑक्सीजन का, वो बिल्कुल ही 2 मिनट की दूरी पे है। और ऐसी लोकेशन में और बसावट के बीचों बीच आपके लिए जो प्लॉट लेकर आए, इसमें जो रेट होने वाला है आप यकीन नहीं करेंगे, सबसे रीजनेबल प्राइस पे प्लॉट होने वाला है, मात्र 10,000 रुपए गज के रेट से आप इसमें प्लॉट ले सकते हैं। मैम इस लोकेशन में, इस लोकेशन में सर जहाँ पे अच्छे अच्छे बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, यहाँ पे आप ये बड़ा मकान देख सकते हैं, ये पुलिस वाले का मकान है। अच्छा, मतलब यहाँ पे मतलब बड़े बड़े लोग बाग जो है प्लॉट ले रहे हैं, अच्छे लोगों ने प्लॉट ले रखा है इसमें, आप भी अपना प्लॉट बुक करा सकते हैं मात्र 5100 रुपए देकर। और मैम अगर हमारे फैमिली को प्लॉट लेना तो कहाँ पे आना होगा, क्या लोकेशन आपको है? आना होगा नोएडा 143 के मेट्रो स्टेशन के नीचे, यही पे अपना ऑफिस है, यहाँ पे आपको साइट विजिट करा भी है। कुछ कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, आपके जो रजिस्ट्री का खर्चा आता है सिर्फ केवल वही आपको देना, अदरवाइज कोई चार्जेस नहीं है। ओके, सो फैमिली आप सबको अगर परचेस करना तो ऐसे लोकेशन में भी आपको कहीं भी देखने को मिलेगा जहाँ पे इतनी सारी। और एक चीज बता दूं, बहुत ही लिमिटेड इन्वेंटरी है सर, जल्दी कीजिए इसमें प्लॉट बुक कराइए, आराम से एक साल में आप पैसे दे सकते हैं।